बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डेलियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के CSC स्कॉलरशिप के बारे में। तो वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिल सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे जी इस यूनिवर्सिटी के CSC स्कॉलरशिप पे, और फिर लास्ट में बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में लिखा है कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग CSC स्कॉलरशिप के थ्रू मास्टर एंड PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट ड्यूरेशन है, तो मास्टर वालों के लिए ड्यूरेशन है 2 to 3 years, और PhD वालों के लिए ड्यूरेशन है 4 years। अगर आप लोगों की मेजर जो है मास्टर में इंग्लिश थाट मेजर है तो ड्यूरेशन है जी 2 years, अगर चाइनीज थाट है तो फिर ड्यूरेशन है जी 3 years। नेक्स्ट मेजर्स के बारे में, तो मेजर्स के बारे में लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से मेजर जो है इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है जी, जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को एडमिशन नोटिस मिलता है। तो एडमिशन नोटिस पे आप लोगों के जो मेजर्स होंगे वो आप लोगों के फाइनल मेजर्स होंगे, आप लोग बाद में वो चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि आप लोगों के जो ड्यूरेशन है एडमिशन नोटिस पे जो ड्यूरेशन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, वो आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए, और अब आप लोगों के साथ मेन चीज़ें शेयर करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी की जो है कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक हो गया। आप लोग इसमें फ्री में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो है IELTS इस यूनिवर्सिटी में मस्ट नहीं है, आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। फिर एक्सेप्टेंस लेटर है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊँ जी, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है All applicants are not required to contact the professors at this university during their application. तो simply इसका मतलब यह है कि इस यूनिवर्सिटी में acceptance letter की कोई value नहीं है, आप लोग without acceptance letter इसमें apply कर सकते हो। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट पर ये mention नहीं होता, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर clearly mention है कि acceptance letter की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं जी कि हार्ड कॉपीज़ हमने सेंड करने हैं या नहीं। यहाँ पे लिखा है 2 hard copies of your application material should be submitted to this address, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, मैंने इनसे पूछा भी था, आप लोगों को ईमेल लिखाओ, या पे मैंने इनसे पूछा था कि हार्ड कॉपीज़ मैंने सेंड करने हैं इस साल, या जस्ट एंड ओनली ऑनलाइन अप्लाई इनफ है। तो इन्होंने रिप्लाई दी थी नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस ईयर, जस्ट सीरियल नंबर इज इनफ। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, सीरियल नंबर सेंड करना है। ये फिर लास्ट में बताऊंगा अप्लाई प्रोसेस में कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है और सीरियल नंबर कहाँ से है और कैसे सेंड करना है, ठीक हो गया। तो हार्ड कॉपीज जो है आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में सेंड नहीं करनी, जस्ट एंड ओनली ऑनलाइन अप्लाई है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या है जी, मेजर्स है एंड फर्दर डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो क्वालिफिकेशन ये तो सेम है, मास्टर वालों के लिए 35 ईयर्स है, PhD वालों के लिए 40 ईयर्स है, और बैचलर मास्टर की डिग्री मस्ट है। फिर डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप है, तो स्टाइपेंड है मास्टर के लिए 3000 RMB, PhD वालों के लिए 3500 RMB पर मंथ, तो ये भी सेम है। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर है, लेकिन इससे पहले फर्दर डिटेल्स देखेंगे। तो या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये भी सेम रहेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। या पे है जी 10th नंबर पे है 6 pictures, तो ये आप लोगों ने तब सेंड करने थे अगर आप लोग उससे जो है हार्ड कॉपीज़ यूनिवर्सिटी वाले मांगते। इस साल जो है हार्ड कॉपीज़ आप लोगों ने सेंड नहीं करने, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है जी, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट आप लोगों को डेडलाइन है, तो डेडलाइन इस यूनिवर्सिटी के 31 मार्च 2021। तो फिर ये फर्दर जो है एडमिशन के बारे में है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स है, तो ये आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेजर्स के बारे में कि कौन कौन से मेजर जो है इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है फॉर मास्टर एंड फॉर PhD। फिर उसके बाद बात करते हैं जी अप्लाई प्रोसेस के, अप्लाई हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख सकते हो अटैचमेंट 1 में 2021 DMU यानी कि दिस यूनिवर्सिटी है मास्टर एंड PhD डिग्री प्रोग्राम। तो ये मैंने डाउनलोड किया, अभी ओपन कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से मेजर जो है इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। तो ये फाइल ओपन हो गया जी, अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेजर जो है कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो जी, फर्स्ट है चाइनीज मीडियम मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स, तो ये आप लोगों ने रीड करना है, ये आप लोग रीड कर सकते हो।
इसमें अगर आप लोग के मेजर्स या चाइनीज स्टार्ट मेजर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है तो इसमें आप लोग देख सकते हो। फिर नीचे है जी चाइनीज मीडियम पीजी डिग्री प्रोग्राम्स, तो ये भी आप लोग देख सकते हो, वीडियो को पास कर सकते हो। नेक्स्ट फिर है इंग्लिश मीडियम मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स, तो इसमें कौन कौन से मेजर्स है जी मैं रीड करूँगा। मेरीन ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, नेविगेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कंट्रोल है, फिर उसके बाद है मेरीन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इंग्लिश मेजर्स है तो इसमें जो है ड्यूरेशन है 2 ईयर्स, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और लास्ट में है जी ला। तो ये सारे है जी इंग्लिश मीडियम मास्टर प्रोग्राम्स, अगर इनमें से आप लोग के मेजर्स हैं तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए 4 ईयर्स ड्यूरेशन है। फर्स्ट वन है ट्रैफिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल है, सेकंड वन इज नेविगेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद मेरीन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, और उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और लास्ट में है ला। अगर इनमें से आप लोगों की मेजर्स है और पीएचडी में आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। मैं कट कर लूँगा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या है जी, यहाँ पे आप लोग अटैचमेंट 4 में देख सकते हो, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एंड एनरोलमेंट एंड एडमिशन टू 2021 सीएससी स्कॉलरशिप एट दिस यूनिवर्सिटी। तो जो चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की तो सब कुछ जो है आप लोग यहाँ पे इसमें एज अ समरी जो है आप लोग रीड कर सकते हो। इसको जो है ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले अप्लाई पे बात करते हैं कि अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है। तो यहाँ पे है जी जस्ट एंड ओनली आप लोगों ने सीएससी पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है। यहाँ पे नीचे लिखा है ऑल एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द डेलियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन एट आवर वेबसाइट। तो आप लोगों ने जस्ट एंड ओनली सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, इस यूनिवर्सिटी की जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये सीएससी का पोर्टल है, यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, यहाँ पे एजेंसी नंबर एंटर करेंगे जी 10151 है, कैटेगरी भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से भी आप लोग जो है मेजर चेक कर सकते हो। एक यहां पे है लास्ट में, यहां पे आप लोग ये देख सकते हो, अटैचमेंट 1 में भी आप लोग मेजर देख सकते हो और सीएससी पोर्टल पे भी यहाँ पे आप लोग मेजर्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मास्टर है तो इंग्लिश चाइनीज यहाँ पे है, इंग्लिश करते हैं तो यहाँ पे है जी इंजीनियरिंग ला एंड मैनेजमेंट है, तो इंजीनियरिंग में फिर बहुत सारे आगे जो है मेजर है। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है जी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ऐसा करेंगे कि आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी पोर्टल पे फिल और सबमिट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग की सीएससी फॉर्म पे सबसे नीचे जो है सीरियल नंबर होगा, सीएससी सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर आप लोगों ने करना है जी सेंड। यहाँ पे ईमेल आईडी है study@dlmu.edu.cn, तो इसी मेल आईडी पे आप लोग जस्ट एंड ओनली अपना सीरियल नंबर सेंड करेंगे। तो सीरियल नंबर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों के साथ एक सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट में आना है। लास्ट में आप लोग देख सकते हो सीरियल नंबर, जब आप लोग सीएससी फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उस पर आप लोगों ने सबसे नीचे आना है, ये है जी सीरियल नंबर, तो इसको आप लोगों ने सेंड करना है जी इस ईमेल आईडी पे बिफोर 31st March 2021, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या करना है जी, बस ये हो गया, तो उसके बाद आप लोग की जो है अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे है जी ये आप लोगों ने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे ये है, तो ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी सब कुछ रीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है जी, सर्च फॉर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन मटेरियल्स, के एप्लीकेशन मटेरियल्स या डॉक्यूमेंट जो कौन कौन से हैं उसके लिए आप लोग सर्च करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रिपेयर फॉर एप्लीकेशन मटेरियल्स, तो आप लोग अपने मटेरियल्स या डॉक्यूमेंट जो वो रेडी करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है जी, अप्लाई करेंगे सीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जस्ट एंड ओनली सीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है अपना सीरियल नंबर सेंड करेंगे इस ईमेल आईडी पे study@dlmu.edu.cn,
टिल मार्च 31, 2021। तो यहाँ पे डेट लिखा है। ये थर्ड स्टेप है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या है जी, मैं भी यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों से इंटरव्यू ले, तो आप लोगों ने ईमेल्स रेगुलरली चेक करने, ठीक हुआ है। तो वेट फॉर इंटरव्यू रिजल्ट। तो इंटरव्यू आप लोगों से लेंगे, मैं भी इंटरव्यू ले या न ले उसके लिए आप लोगों ने वेट करना है और ईमेल्स रेगुलरली चेक करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, आप लोगों को एडमिशन मटेरियल्स यानी कि एडमिशन नोटिस, JW201 फॉर्म और साथ में वेलकम लेटर मिलेंगे आप लोगों के पोस्टल एड्रेस पे। जो एड्रेस आप लोग प्रोवाइड करेंगे उसी पे आप लोगों को जो है ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे टाइम भी है एंड ऑफ जुलाई और द मिडल ऑफ अगस्त 2021। तो आप लोगों ने वेट करना है, सिलेक्शन के बाद आप लोगों को मटेरियल्स मिलेंगे। उसके बाद लास्ट टिप क्या है जी, रजिस्ट्रेशन है एंड सितंबर 2021। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ पे आप लोग इसमें समरी रीड कर सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस कि आप लोगों ने डेलियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी में CSC स्कॉलरशिप के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।